एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? जैसे कि टाइटल पढ़ के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो है मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी है। और बेसिकली मैंने पहले जो अपनी डुकू की शेयर करी थी, उस टाइम पे बहुत सी चीज़ें जो है उससे बहुत अलग है। और कैसे अलग है, लाइक अब फीलिंग सेम है बट स्टार्टिंग में, और मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि इतनी जल्दी क्यों, लोगों ने बहुत जज भी किया है और मैंने डिस्कस भी नहीं किया उसके बारे में। तो अभी मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी हो रही है क्योंकि मैं एक घंटे पहले सो के उठी हूँ। डुग्गू और राजा भी सो रहे हैं, टाइम हो रहा है 7, तो मैं जल्दी उठ गई क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियो शूट करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए और डुग्गू मुझे बैठ के काम नहीं करने देता, तो वो अभी 2 घंटे बाद उठेगा। तो मेरे को लगा कि चलो ठीक है, अभी मैं शूट कर लेती हूँ। तो इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे काफ़ी सारा टाइम चाहिए था, जो कि मैं आपसे लाइक 1-to-1 इंटरेक्शन होता है ना, वो कर पाऊँ और जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से रख पाऊँ। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे कि इतनी जल्दी कैसे, आप लोगों का रिएक्शन क्या था, आप लोगों ने प्लान किया, कुछ लोगों ने तो ज़्यादा पूछ लिया कि आप लोगों ने IVF कराया है या कोई ट्रीटमेंट ली है। तो सबसे पहले तो एक ट्रीटमेंट वाली बात जो है, डुगू टाइम बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक, लाइक जब डुगू को मैंने कंसीव किया था उसके बीच में, अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। और नवंबर में डुगू का जो टेस्ट था वो पॉजिटिव आया था, और उसी टाइम पे मेरे को ना क्या लगा था कि मैं ट्रीटमेंट कराती हूँ। हम लोग पतंजलि स्टोर गए थे 2-4 महीने पहले, उससे उन्हें हमसे AMH टेस्ट का बोला था कि AMH टेस्ट जो है वो करा के आओ और एटलीस्ट पता रहे, पर हमने वो टेस्ट कराया नहीं था। बहुत सी चीज़ें थी जो उनने कहा था करने के लिए, एंड हमने आयुर्वेदिक सोचा था और मैं मेडिसिन भी लाई थी उनसे। राजा की एक मिली थी या फिर मिली नहीं, तो हम एक भी नहीं लाए थे, और मेरी मैं सारी लेके आई थी बट मैंने वो चीज़ फॉलो नहीं करी थी, बहुत कम। लाइक बीच में मैंने आई थिंक एक बार मैंने 1-2 दवाई खाई है जो उसकी एक डब्बे में भी आती, बाटी बाटी करके कुछ आती है, और बाकी उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ दी थी जो कि फॉलो नहीं करी। इन नवंबर जब डुगू का टेस्ट किया, और उसी टाइम मेरे को लग रहा था कि मैं ट्रीटमेंट कराऊंगी, आई थिंक मैं उस दिन ब्लॉग पर जब मैंने उससे पहले शेयर भी किया था इन 2020, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं एक बार टेस्ट जो है ना वो मतलब कि एक बार जो ट्रीटमेंट है वो शुरू करवाना चाहती हूँ, बट डुगू कंसीव हो गया। अब ये वाला टाइम वाले बोल रहे थे कि मैंने ट्रीटमेंट ली, तो सबसे पहले तो ये जो प्रेगनेंसी है ये प्लान नहीं है। और अब मेरे से आप लोग पूछेंगे क्या मैं इस चीज़ को प्रिवेंट नहीं कर रही थी, तो जून में मेरा मिसकैरेज हुआ था। ये प्रेगनेंसी मुझे जुलाई में कंसीव हुई है, और जून में जब वो वाला हुआ था तो वो पार्शियल था, लाइक डॉक्टर ने DNC बोला था, देन उन्होंने दवाई दी थी। तो यूट्रस क्लीनिंग की दवाई भी मान लीजिए कि जो दवाइयाँ रहती है यूट्रस क्लीनिंग की नहीं रहती, मेनली वो लाइक बेबी को रिमूव करने के लिए रहती, जो पार्ट बेबी के बच जाते हैं, तो उसके डॉक्टर ने दवाई दी थी। तो ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं कि मेरी जो कंडीशन होगी जो मैंने प्रेगनेंसी कंसीव की है, क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुए भी आई थिंक 13 मंथ्स ही हुए थे, 13 मंथ्स भी नहीं हुए थे, आई थिंक 12-13 मंथ ही हुए थे। पूछते हैं, इवन कुछ लोग बोलते हैं इतना पढ़ा लिखा हो उसके बाद भी। तो जब मेरा मिसकैरेज हुआ था, तो जब आपका कुछ भी ऐसा होता है, आपकी प्रेगनेंसी ख़राब होती है या कुछ भी होती है, तो डॉक्टर आपको, हम लोग के यहाँ देते हैं, मुझे आप लोगों का नहीं पता है, तो डॉक्टर आपको जो पिल्स हैं वो देते हैं, लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है वो देते हैं। अब मेरे साहब ने पूछे थे कौन सी, एक यास्मिन करके आती है, उनने मुझे दी थी, तो मैं रेगुलर पिल्स पे थी। कुछ चीज़ें ना जब होनी होती, मेरे को समझ में नहीं आया कि चीज़ हुई कैसे। अब मैं वही आप लोगों के साथ पूरी स्टोरी शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों को बहुत डाउट थे, मुझे बहुत कुछ बोला जा रहा था कि बस बच्चा छोटा है, बहुत दिक्कत होने वाली है और क्या करोगे, मतलब बहुत कुछ लोग अच्छे वे में बोल रहे थे कि उन्हें मेरी परवाह थी, कुछ लोग बुरे वे में बोल रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं शायद इस तरह से जज किया जाता है। तो 1 जून को मैंने आई थिंक अपना एक प्रेगनेंसी का आपको बताया था, तो आपको सारे ब्लॉग्स जो है वो मिल जाएंगे। 1 जून को मैंने आप लोगों को बताया था, और वो जो प्रेगनेंसी थी उसमें हार्ट बीट नहीं थी, एंड इट वॉज लाइक नॉट प्लान, वो भी प्लान में सी सेक्शन होता था, तो एटलीस्ट आप लोग सोचते कि यार कुछ ऐसा ना हो, और 2.5 साल तक तो ना हो, क्योंकि ना क्या होता है, बच्चा
जब पैदा होता है लोग कहते हैं स्टार्टिंग के 3 महीने बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं, बट मेरे हिसाब से जब बच्चा बैठ रहा है, जब बच्चा घुटना चल रहा है और जब बच्चा भागने लगा है, तब आपके जो रियल पेरेंटिंग के दिन होते हैं ना वो शुरू होते हैं। और मेरे साथ ये है कि डुगू को, जब से डुगू हुआ है, मैं और राजा ही उसे एकदम ऐसे देखते हैं कि अब तो ऐसा हो गया कि वो 8-9 महीने से तो पूरा ही हो गया कि मुझे को देखना है। तो ऑब्वियसली मैं ये दूर दूर तक ख्याल में नहीं था कि सेकेंड टाइम हम लोग इतनी जल्दी कंसीव करने की सोचते, और उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं दवाई भी ले रही थी। पता नहीं कहाँ क्या मिस हुआ है, क्या हुआ है नहीं मालूम। खैर जो भी हुआ, जून में कंसीव किया, अराउंड 8 to 9 या 10 days के अंदर अंदर वो जो प्रेगनेंसी थी वो नहीं चली, उसकी भी रिपोर्ट सेमिन आई थी, हमको दिखाई भी उसकी रिपोर्ट, तो ठीक है वो सब हो गया, सब डॉक्टर ने दवाई दी मेरी यूट्रस। आप सोच सकते हैं कि आप दवाई खाई है और आप जस्ट उसके नहीं सोच सकते, क्योंकि मेरे पास पता है एक कॉमेंट आया था विच इज़ वेरी लाइक, बहुत चीज़ें होती है बट मैं डिस्कस ही नहीं करती कि मिसकैरेज के जस्ट 1 महीने बाद आपका मन कैसे कर गया कि कंसीव कि आप दूसरा प्लान कर लो। तो मन तो नहीं था कि इंसान मन करता, मैं शायद अगर प्लान करती और सारी चीज़ें अगर प्लानिंग से होती तो मे बी 2023 एंडिंग में हम लोग प्लान करते या 2024 स्टार्टिंग में हम लोग प्लान करते, जब डुगू स्कूल एटलीस्ट की जो प्री स्कूलिंग है वो शुरू हो जाती। तो ऑब्वियसली ये प्लान नहीं था, और अब मैं ये चीज़ बार बार नहीं बोलूँगी क्योंकि अब वी आर लाइक इस चीज़ को हमने बहुत आगे बढ़ा दिया है बेबी को। तो ये हुआ, उसके बाद मैं अपने घर चली गई थी, सब कुछ नॉर्मल था। डुगू के बर्थडे के 1-2 दिन बाद मेरी जो साइकिल थी वो शुरू हुई, और जो मिसकैरेज के बाद की साइकिल होती है या तो वो 2 महीने ही आती है, कई बार ऐसा होता है कि 1.5-2 महीने नहीं आता। मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का क्योंकि मैंने बहुत झेला है। या फिर जो इस टाइम मेरे साथ हुआ था कि विद इन 28 to 30 days जो साइकिल थी वो आ गई, तो चलो ठीक है आ गई। मेरी उससे पहले बहुत तबीयत भी ख़राब थी, आने के बाद वो साइकिल बहुत लंबी थी, लाइक 10 days हैवी फ्लो, और बहुत बुरी हालत थी मेरी मेरे घर पे। पर मैं अपने घर पे थी तो मेरी मम्मी थी, मेरी बहन थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्थ थी, मेरे को बहुत वीकनेस हो गई थी, मुझे ऐसा हो रहा था कि मुझे पता नहीं बीच बीच में ना चीज़ें अजीब सा हो रहा था मेरे साथ। चलो ठीक है, ये टाइम भी बीत गया। हम लोग आ गए यहाँ पे, यहाँ आने के बाद 15 अगस्त को मैं राजा से कही थी, राजा पता नहीं यार मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, और सिम्टम्स जो है ना वो उसकी वीडियो में अलग से बना दूंगी। तो मैं राजा से बोल रही थी, राजा मुझे कुछ तो नहीं सही लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। अब हम लोग प्रेगनेंसी का नहीं सोच सकते थे क्योंकि मैं पिल्स पे थी, दूर दूर तक हम लोग को नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा। तो राजा कहते यार हो सकता है कि बहुत लॉन्ग साइकिल थी, इट माइट बी पॉसिबल कि इसलिए हो। और कई बार मेरे को लगता है कि मिसकैरेज के बाद ऊपर नीचे हो जाती है, इवन डिलीवरी के बाद भी हो जाती है कि आपकी रेगुलर साइकिल नहीं आती, बट मेरे साथ ऐसा हुआ कि आफ्टर डिलीवरिंग डुगू को मेरी साइकिल बहुत ही ज़्यादा रेगुलर रही है, और 28 to 30 days, 30 से 34 days में अभी बीच बीच में बिगड़ रही थी मेरी साइकिल। अभी ये जो 4-5 महीने रहे ना उसमें मेरी साइकिल बहुत बिगड़ी। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, 15 अगस्त पास हुआ, कुछ सिम्टम्स थे जो मुझे ना लग रहा था, पर अगर आपको ब्रेस्ट टेंडरनेस सिम्टम आया है या आपके निप्पल्स में कुछ भी दिक्कत हो रही है और आप फीड करा रहे हो तो आपको लगता है कि हो सकता है कि आपने पूरे दिन फीड नहीं कराया, तो कई बार आपकी जो ब्रेस्ट है वो ज़्यादा हैवी हो जाती है और कहीं कहीं से ना बहुत ज़्यादा टाइट एंड बहुत पेनफुल, इवन पत्थर टाइप की डुगू की। जब मैं स्टार्टिंग में मुझे बहुत कुछ नहीं पता था उस टाइम पे, अगर मैं एक से फीड करा रही हूँ तो जो दूसरा पार्ट रहता था इट वॉज लाइक वेरी वेरी पेनफुल, बहुत बुरी हालत हो जाती थी। अब ऐसा नहीं होता था क्योंकि 1 साल हो गया था, तो अब ऐसा होता था कि हाँ पेन करने लगती थी। तो उसके बाद मेरे को लगा मे बी यार ब्रेस्ट फीडिंग के कारण हो रहा है। चलो ठीक है, मेरे पास टेस्ट रखा हुआ था क्योंकि जून में हुआ था, तो जून में मैंने जब तक वो एंड नहीं हो गई थी तब तक मैंने 1-2 टेस्ट लिए थे उसकी एंडिंग पे भी। 16 अगस्त को मैंने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद टेस्ट में कुछ नहीं आया, मतलब एक भी पॉजिटिव लाइक पॉजिटिव लाइन थी ही नहीं, एक ही लाइन थी कि मैं देखती हुई। और उसके बाद ना मैंने ऐसे करके देखा ना मैंने ऐसे करके देखा, एक वीडियो मैंने आप लोगों से डाली थी जो बहुत लोगों से कनेक्ट हुई थी, वो हार्ट टू हार्ट लाइक एक औरत की औरत से फीलिंग थी।
तो मैंने नहीं उस टाइम पे देखा, मेरे को लगा ठीक है चलो, क्योंकि मेरे को ना इस बार डर था कि मेरी अंदर से हालत, मैंने दवाई खाई हुई है क्योंकि उसी टाइम में मैंने वो जो किट आती है वो डॉक्टर ने मुझे दी थी, तो क्लीन एवरीथिंग, लाइक उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 1 महीने हुआ था, तो आप समझ सकते हैं कुछ चीज़ें रहती है जो आप इतनी जल्दी सोचते नहीं। और यार मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी सोचती। अब ठीक है नहीं आया, मैं रिलीफ थी कि चलो कोई नहीं। उसके बाद मुझे फीवर आता शुरू होता है, तो जून में मुझे फीवर आना शुरू हुआ था, और ये जो दो प्रेगनेंसी लाइक जून जुलाई बैक टू बैक थी, उन्हें मुझे रेगुलर फीवर आ रहा था। आप लोगों को याद है जून वाले में मैं डॉक्टर के पास यहाँ पे गई थी, शैलवी वालों ने मुझे बोला था एडमिट कर ले, करने के लिए बोल दिया था, मेरा मुझे डायरिया हो गया था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरा फीवर नहीं उतर रहा था, फीवर ही नहीं उतर रहा था, तो लाइक मुझे रेगुलर फीवर आ रहा था। फिर मुझे हल्का हल्का था फीवर आना शुरू हुआ डेली, शाम में मुझे अच्छा टेम्परेचर चल रहा था, 100 अबव इधर टेम्परेचर मुझे हो रहा था, कभी 99.5 हो रहा था, लो ग्रेड हो रहा था, कभी हाई ग्रेड लाइक उस पर जा रहा था। मैं डोलो खा रही थी, कभी डोलो नहीं खा रही थी, और जब मैं डोलो नहीं भी खा रही थी तो वो सुबह उतर जाता था, फिर रात में चढ़ जाता था, फिर सुबह उतर जाता था, फिर रात में चढ़ जाता था, तो फिर मैं खाने ही छोड़ दी डोलो की, ठीक है चलो चढ़ रहा है। फिर ये मैं आपको डेट की जो कन्फ्यूजन है मुझे बीच में, मैंने अराउंड 21 को किया था टेस्ट या 20 को, एक टेस्ट के राजा से बोला कि राजा ले आओ, और मुझे लाइव टेस्ट है वो अलग शेयर करके, इट वॉज लाइक वेरी वियर्ड, मैं उसे शेयर करना नहीं चाहती हूँ, बट आप लोग बताइएगा पता क्या हुआ है, बहुत सी चीज़ें जो आप लोगों को लगेगा यार ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यार डर लगता है एज अ पेरेंट ऑफ 1 ईयर ओल्ड, जो कि जस्ट 1 ईयर हुआ ही है, और अब बहुत से बदलाव देखते हैं जब आपका बच्चा बड़ा होने लगता है, तो हम उसको समझ रहे थे। उस बीच में हमें ये जो न्यूज़ थी वो एकदम से ब्रेक हुई। राजा तो ऐसे थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी ऐसा था कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं दवाई खा रही थी, अभी तो मेरा जून में हुआ था या जुलाई में, ऐसे कैसे हो सकता है, जब मेरा हो नहीं रहा था तो मुझे सालों से नहीं हो रहा था, मुझे पता रोना आ रहा है फिलहाल सोच सोच के उस चीज़ को, जब हो नहीं रहा था तो सालों से नहीं हो रहा था, और अब जब हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, ठीक है। और ये होता है कि जब आपके को बहुत शिद्दत से कोई चीज़ सही होती है तो आपको वो आराम से नहीं मिलती है, और जब आपको लगता है कि यार अभी नहीं करना है प्लान, अभी नहीं करना है, क्योंकि हम लोग यार नहीं होते, आप फैमिली में रहते हो तो अगर आप प्लान कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो आप सोचते हो कि हाँ चलो ठीक है हो गया, आप बताए लोड नहीं लेते हो। मेरे को बहुत स्ट्रेस था, मेरे ब्लॉग्स में स्ट्रेस झलक रहा था, बट मैं चीज़ें बता नहीं पा रही थी, फिर मेरे को लगा हो सकता है कि कुछ इस बार भी ऐसा कुछ ना हो, तो हम लोग जस्ट उसके नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे सोनोग्राफी कराने गए थे, सोनोग्राफी कराने गए, और अब वो सोनोग्राफी वाले जो थे ना उन्होंने बोला, अब तो पिछले महीने भी आई थी जो ना स्कैन कर, मैं डॉक्टर को बता दिया अपना सब कुछ, डॉक्टर ने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, सबको लग रहा था ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद क्या हुआ, जब कराया है 6 वीक एंड आई थिंक 2 डेज या 3 डेज थे, मैंने कभी भी इतनी जल्दी हार्ट बीट एक्सपेक्ट नहीं करी थी, एंड उस सोनोग्राफी में बोला देखो ये हार्ट बीट आ गई बच्चे की, फिर मेरे को लगा ये क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, और उस टाइम पे मैं शॉक थी, खुश थी, मैंने राजा को बुलाया, मैंने राजा को बोला राजा देखो हार्ट बीट बच्चे, राजा के हाथ में डुगू था, राजा भी बहुत खुश थे उस टाइम पे, बट एट द सेम टाइम मैं बहुत ही ऑनेस्टली वीडियो बना रही हूँ, हम लोग बहुत उसमें थे कि क्या होने वाला है। मेरी मम्मी को कुछ अंदाजे लगे, मेरी मम्मी ने मुझे बता बोला है ना ऐसा कुछ, मेरी मम्मी को पता चल गया था, मेरी मम्मी को बोले, मेरी मम्मी ने बहुत वो थी, मैंने बोला मम्मी मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा, मेरे को बहुत डर लग रहा है, सेकेंड थाट नहीं आया था कि हम अबॉर्शन कराने जाएंगे, नहीं आया था, मैं भी ये बोल रही हूँ, क्योंकि जब आपको बेबी नहीं होता है तो उस चीज़ की कदर आपको रहती है कि हाँ चलो अब सेकेंड टाइम कर लिया है ना तो कुछ नहीं होता। बट मैं इस चीज़ से डराई नहीं करूँगी कि मैं बहुत प्रेशर में थी, राजा का ऐसा था कि राजा थे बट राजा इतना शो नहीं करते। उसके बाद चलो ठीक है हुआ, कुछ दिन ऐसे निकल रहे थे, मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा था, मम्मी को मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था, जब मेरी मम्मी का फ़ोन आया था तो उन्होंने खुद ही वो कर दिया कि ऐसा है ना, और मैं अपनी मम्मी से झूठ नहीं कह सकती थी। रिपोर्ट्स आई, इतना कुछ हम लोग की लाइफ में अजीब सा चल रहा था कि सॉफ्ट कॉपी हम लोग ले आए, उसकी हार्ड कॉपी हम लोग ने लेके आए, लाइक जो रिपोर्ट थी, फिर उनका फ़ोन आ रहा था, उन्होंने बोला हम सेकेंड स्कैन कराने आएंगे तो लेके जाएंगे,
अब हम लोग आके डिस्कस कर रहे हैं मैं और राजा कि क्या करना है, लाइक कैसे संभलेगा. मैं फिर से बोल रही हूँ, सेकंड थॉट हम लोग के दिमाग में नहीं आया क्योंकि मेरे से बहुत से लोग रिलेट कर रहे होंगे. उसके बाद फिर एक चीज़ आ रही थी कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे. जो मैंने बोला था जुलाई में फिर से हुआ और अब फिर मैं बोलूँगी लोग क्या बोलने वाले हैं, ये कितने बेवकूफ़ है. चलो बेवकूफ़ भी क्या, लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या कर दिया, एक की लाइफ बर्बाद. मेरे पास बहुत से कमेंट्स अभी भी आते हैं कि डुगू को छोड़ दो अभी, कि डुगू को अभी इतना ध्यान मत दो, अपनी प्रेगनेंसी पर ध्यान दो, ये पर ध्यान दो. मैं चीज़ों को बैलेंस कर सकती हूँ पर मैं चीज़ों के साथ पार्शियल नहीं हो सकती कि मैं एक चीज़ देख रही हूँ और दूसरी चीज़ नहीं देख रही. खैर जो भी था उस टाइम पे कि जो भी कमेंट्स आ रहे थे मैं इग्नोर कर रही थी, कुछ लोगों को अंदाज़ा हो गया था और हम लोग खुश थे. मेरे तो मूड स्विंग्स बहुत सारे थे, बहुत सी चीज़ें सिम्टम्स में आप लोगों से बोलूँगी कि कुछ चीज़ें आप लोगों को एज अ वुमेन बस पता चल जाती है बट आप उसे मेंटली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. और इस टाइम मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी कि ऐसा कुछ है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को पता था कि मैं पिल्स पे हूँ. दूसरा मुझे पता था कि मेरी अभी फिजिकल कंडीशन इस तरह की नहीं है कि मैं कंसीव करूँ, क्योंकि मैंने जस्ट दवाइयाँ खाई हुई हैं. ठीक है, एक महीने पहले मेरा मिसकैरेज हुआ है, मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी. तो उसके बाद जब हार्ट बीट आ गई, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि चलो ठीक है अब बता देते हैं, है ना, ये कर लेते वो कर लेते हैं. मैं राजा को बोला कि डुगो के टाइम पे मैंने टाइम लिया था 3 महीने का और उसके बाद बताया था, क्योंकि फिर से हो सकता है ना कुछ गड़बड़ हो जाए. मेरे को तो हमेशा से ऐसा लगता है कि जब तक आप 9 महीने अगर देखो बताना नहीं है ना, तो फिर तो आप बताओ ही मत, या डायरेक्ट आप जो डिबेट पर बच्चा आपका डिलीवर हो तब बता दो, या उसकी जो स्टार्टिंग है बता दो, क्योंकि मेरे को लगता है कि 9 महीने ही सेफ नहीं होते आपके. उसके बाद धीरे धीरे डुगू का बिहेवियर चेंज शुरू होना हुआ, वो हम लोग देख रहे थे. वो बहुत कूदता है बेड पे पूरे टाइम, मैं ना लेट पा रही हूँ, अभी भी बता रही हूँ, ना सो पाती हूँ, ना कुछ कर पाती हूँ. तो चीज़ें चल रही थी बहुत कंफ्यूजन के साथ. पहले मुझे राजा कह रहे थे कि ना पापा को बता देता हूँ मैं अपने, तो राजा ने पापा को मैसेज ड्रॉप किया था कि पापा आपसे बात करनी है, क्योंकि उनको हमने कॉल भी किया था तो कॉल नहीं उठाया था उनने. तो पापा का फिर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो हमने फिर उनके घर वालों से डायरेक्ट फिर कॉन्टैक्ट नहीं किया कि एक बार हमने फ़ोन किया, फिर हमने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है. मैं राजा को, राजा ने मेरा टाइप कर दिया था कि आप सेकेंड टाइम बनने वाले हो दादा, तो मैं राजा को बोला यार फ़ोन पे बताने वाली बात है, एक बार उनसे बोलो कि वो फ्री हो जाए. तो वो फ्री नहीं हुए, अभी तक फ्री नहीं हुए वो लोग. खैर कोई नहीं, उसके बाद फिर हम डॉक्टर के पास गए. तो जब डॉक्टर के पास मैं गई थी आफ्टर स्कैन, मैंने आई थिंक ये बात मन की बात में शेयर करी थी, मैं जिस कंडीशन में पहुंची थी, मेरा ऐसा हाल हो गया था कि मेरे को लग रहा था कि मैं रो दूँ, और मेरे को लिटरली ऐसा लग रहा था मैं क्या करूँ. मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करने वाली हूँ. मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद सब चीज़ें, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी, मुझे पता है मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होने वाली है बच्चे के बाद, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक बेबी है जो अभी बोलता नहीं है, और लाइक चीज़ें बोलता है बट समझदार नहीं है, 1 साल का बच्चा है अभी. समझाने उसकी कुछ चीज़ें हैं जो मैं उसे सिखा रही हूँ अभी, उसका लर्निंग टाइम है, और उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट हूँ. और बहुत सी चीज़ें थी जो हम लोग के दिमाग में घूम रही थी कि जब तक वो होगा तब डुगू और ज़्यादा, कहते ना 2-3 साल में और ज़्यादा बच्चे थोड़े से वैसे हो जाते कि एक को संभालेंगे या दूसरे को संभालेंगे. फिर राजा जो है वो कहते थे कि कुछ देता हम लोग किसी को रखेंगे, पहले से कंफर्टेबल करेंगे जो देखेगा. मुझे पता है अभी डर क्या लगता है, मुझे डर ये लगता है कि जब मेरी डिलीवरी होगी तब डुगू कैसे रहेगा. मेरे को पता है वो, मुझे पता नहीं, हर चीज़ छोड़ के मुझे सिर्फ ये लगता है कि वो 1-2 दिन का जो टाइम होगा उस टाइम में मैं कैसे रहने वाली हूँ, मैं तो उसके बिना नहीं रह सकती हूँ, और वो कैसे रहेगा. पता है मुझे बहुत सोच सोच के वो चीज़ बहुत अजीब सी लगती है. राजा को बोलती हूँ कि मुझे क्या करूँ, मेरे को पता नहीं, वो चीज़ बार बार लगती है कैसे यार, किसके पास होएगा, कैसे रहेगा, वो चीज़ पता है हिट करती है मेरे को दिल में अंदर, ऐसा लगता है पता नहीं. तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर से मैंने बोला, डॉक्टर ने पहले तो एक बात पूछी थी, आर यू श्योर, और डॉक्टर ने मैं सिर्फ यही बोला था कि एक बात याद रखना कि प्लानिंग और नॉट प्लानिंग, अगर हो गया है
एंड आपको चाहिए, अगर फर्स्ट है आपको एक ही चाहिए देन आपकी मर्जी है वो, सेकेंड आपको दो का प्लान है और अगर हो गया है तो कीप इट. उन्होंने सिर्फ मुझसे इतना बोला था, उन्होंने मुझसे बोला था कि ज़रूरी है जैसे आप प्लान करते हो, इतने सालों से हुआ था नहीं. उसके बाद उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि राजा को बोला था अगर ऐसा कोई भी डिसीजन आप लेते हो, देखिए हर तरह के पेशेंट आते हैं, डॉक्टर विल ट्रीट यू सबकी तरह ही ना, तो उन्होंने बोला कि अगर आप ऐसा कुछ फैसला लेते हो तो डोंट ब्लेम चांदनी इस चीज़ के लिए मैं क्योंकि बैठी हूँ. राजा को ये बात बोली थी. फिर उन्होंने बोला कि हो सकता है फिर आपको IVF कराना पड़े सेकेंड बेबी के लिए, हो सकता है IUI, बहुत सी चीज़ें, आप स्ट्रेस में रहो, दवाई खाओ, उसके बाद भी ना हो तो रख लो, चीज़ें मैनेज हो जाएगी. और मुझे अभी भी नहीं पता है कैसे मैनेज होगी, ठीक है ना, चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, अभी सही है टाइम. और डॉक्टर से मैंने एक चीज़ पूछी थी, एक तो सबसे पहले तो मुझे लगा सेफ्टी, क्योंकि एज अ मदर मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डुब्बू भी है और मुझे उसके लिए हेल्दी रहना है. मैंने बोला सेफ्टी पर्पस, लाइक सेफ्टी वाइज क्या ये सेफ है कि इतनी जल्दी अगर मैंने कंसीव किया है तो क्या मैं उसे कंटिन्यू रख के, मेरा टी सेक्शन है उसका स्कार इफेक्ट नहीं होगा. तो डॉक्टर ने बोला जब सोनोग्राफी करते हैं तो लोग देखते हैं कि वो स्कार पे तो अटैच नहीं हुई है, अगर अटैच हुई है देन इट विल बी लाइक रिस्की, अगर नहीं है तो मेरी स्कार पे नहीं है. ये बहुत ही बेवकूफ़ टाइप की चीज़ है जो कि आई थिंक किसी को नहीं पूछनी चाहिए कि डॉक्टर नॉर्मल हो सकती है क्या. तो जब मेरा सब कुछ सही था फर्स्ट प्रेगनेंसी में, मैंने काम भी किया, जब नॉर्मल नहीं हुई क्योंकि बेबी की पोजिशन नॉर्मल वाली नहीं थी, वाटर ब्रेक हो गया था, टाइम नहीं था इतना, वाटर बैग ब्रेक हो गया था, तो फिर ये बहुत फुलिशनेस है. बट मैंने फिर भी पूछा क्योंकि मेरे को पता है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो फिर भी प्रेगनेंसी सेफ है. डॉक्टर ने बोला कि हाँ नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है ऐसे केसेस में, तो एक चीज़ चलो हो गया. उसके बाद बस मेरा यही लग रहा था, मैं डॉक्टर से ये बोल रही थी अब डॉक्टर क्या बोलेंगे, मैं डॉक्टर कैसे संभालूंगी. डॉक्टर ने बोला आपके घर में आपके बड़े होंगे, वो आपकी हेल्प कर देंगे, आपकी सिस्टर इन लॉ होगी, मामा होगी और मम्मी होगी, बहन होगी, सब होंगे. तो मैंने उन्हें बोला कि वो लोग दूर रहते हैं और यहाँ से मुझे इतना वो नहीं है क्योंकि अभी तो वैसे कोई भी नहीं है घर पे. फिर उन्होंने समझाया मुझे कि हर चीज़ का सलूशन होता है, आप हेल्प रखोगे आपकी हेल्प हो जाएगी, है ना. तो चलो ठीक है, उन्हें बोला कि आप सबसे पहले तो रिलैक्स रहो और ना चीज़ों को इन्जॉय करना शुरू करो. मैं घर आई, बहुत लाइक मैंने सोचा और वो दिन है और आज का दिन है, मैंने सोचना बंद कर दिया. एक ख्याल आता है मेरे दिमाग में और वो ख्याल आता है कि डिलीवरी के बाद, लाइक डिलीवरी जब मेरी होगी उस एक दिन मेरा बच्चा कैसे रहेगा. और मुझे वो सोच सोच के पता ना आता पता बचा क्योंकि अंदर से बहुत अजीब सी, पता नहीं मुझे कुछ हो जाता है, ऐसा लगता है कि मैं उस टाइम मेरी सारी वो हो जाती है, मेरे को पता नहीं ज़्यादा से वो तो ज़्यादा कैसे रहेगा यार. क्या हुआ था वो, आप जो सी सेक्शन होता है और मेरा समझा सी सेक्शन हुआ था तो वो आप सेपरेट रखते हैं एक रात को, जब आपके यहाँ पे मशीन वगैरह अटैच रहती है, आपकी लाइक हार्ट बीट वगैरह पल्स देखी जाती है, एक दिन तो आपको ऑब्जर्व किया जाता है. तो वही मुझे लग रहा था यार मैं कैसे रहूँगी उसके, मुझे नींद भी नहीं आई, कुछ नहीं आई. तो ये मेरे को पता नहीं वही एक ख्याल उस दिन के बाद से आज तक का दिन है, मैंने सोचना बंद कर दिया. आते हैं कि आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे होने वाली है या जो भी होने वाला है, कुछ लोगों के बहुत जल्दी हो जाते हैं, जब मैं आपके लिए लौती नहीं हूँ जिसका होगा ऐसा हो जाता है चीज़ें लाइफ में. कभी कभी चीज़ें आपको ऐसे मिलती है कि ये लो है ना, आपने बहुत टाइम से सोचा तब नहीं मिली, बट उसके बाद मिलती है, ये लो बेटा ये लो बेटा. तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना और कुछ गलत ना करना. मेरा सिर्फ ये था कि अगर मैंने कुछ गलत किया किसी को नहीं पता चलेगा, क्योंकि एज अ कपल आप नहीं बता रहे ना किसी को, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, पर मुझे पता है कि मुझे इंटरनली क्या लगेगा. क्योंकि मैं ना पूजा करती हूँ भगवान जी से, वो चीज़ बहुत टाइम से मांगती थी और फिर मैंने उस चीज़ की इस तरह से लाइक उसका मैंने इतनी बेकदरी कर दी और ऐसा कुछ कर दिया, मुझे इंटरनल अंदर मन से अच्छा नहीं लगता. और अगर मैंने किसी के साथ कुछ भी गलत किया है या कुछ भी मेरे साथ ऐसा रहता है कि मैं कुछ भी करती हूँ या वो है, और राजा के साथ भी सेम है, अगर वो कुछ भी ऐसा कर देते हैं और उन्हें पता है कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया है तो हम लोगों को उसका फल जस्ट नेक्स्ट डे मिल जाता है. हम लोगों को बहुत टाइम नहीं रुकना पड़ता है उस चीज़ के लिए, हमें हाथ के हाथ मिलता है. तो नहीं, हमें वो नहीं करना था और वो दिमाग में आई भी नहीं थी. बट हाँ स्ट्रेस बहुत था क्योंकि प्लान नहीं था, बच्चा छोटा था. अगर प्लान नहीं भी होता, डुगू भी प्लान नहीं था, डुगू भी तो लाइक जब मैं ट्रीटमेंट कराने गई जा रही थी उस टाइम भगवान जी बोला बेटा मत परेशान हो ले लो.
तो इस तरह से जो चीज़ें थी वो हुई। उसके बाद मेरा एंटी स्कैन हो गया। मेरे पास ये वाली बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि आप अपनी जो प्रेगनेंसी स्टोरी है वो शेयर करो शेयर करो। मेरे को पता नहीं, समझ में नहीं आता था कि मैं ये चीज़ें, पता जब मैं अनाउंस ही कर रही थी, मेरा से बोलती थी मैं अनाउंस नहीं करना चाहती है, डायरेक्ट जब दिखेगा ना तो हाँ देखा जाएगा। मैं अनाउंस तक करने की कॉन्फिडेंस में नहीं थी, बिकॉज एट लास्ट लोग आपको जज करते आते, एक दो आते, पहले बहुत आ रहे थे, अब एक दो आते। कहीं ना कहीं लाइफ हमारी है, हमें बतानी है, और हो गई यार। अगर शायद मैं गलत कर देती ना कुछ, तो शायद आप लोगों को पता चलता या कुछ होता, और तब मुझे लोग जज करते, तब सही करते। अभी मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि दो लोग, दो बच्चों की ज़िंदगी। आपको पता है, मुझे आप लोग पहले से फॉलो कर रहे हो, तो मैं खाने से लेके सब कुछ डुगू का करती हूँ, नहाना धुलाना, मसाज वगैरह सब कुछ, और कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बट विद नो हेल्प, लाइक आप एक हेल्पर रखते हो कुछ रखते हो, विद नो हेल्प मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। तो मैंने उसको जब संभाल लिया, तो दूसरी जिम्मेदारी भी हम संभाल लेंगे। हाँ मुझे पता है बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, बार बार ये वर्ड बोल रही हूँ, मुझे पता है हम लोग कोई सुपर ह्यूमंस नहीं है कि हम लोग बहुत सी चीज़ें ऐसे 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 करके संभाल लें, होगी दिक्कत। बट देयर इज लाइक ऑलवेज समथिंग कि आप एक हेल्प रखो 24 आवर्स की, जो आपकी लाइक एक बैकबोन की तरह काम करे। अभी मैंने आपके साथ जो स्टोरी है कि ये हुआ कैसे था, मैं घर गई थी, यहाँ पे आके कब मैंने टेस्ट किया था, लाइव प्रेगनेंसी टेस्ट की जो वीडियो है मैं डालूंगी, बट डोंट जज मी, क्योंकि मेरा रिएक्शन आपको अजीब लग सकता है, क्योंकि शायद आप उसे उस नज़रिए से नहीं देख पाएंगे जिस नज़रिए से उस टाइम मैं देख रही थी, क्योंकि बच्चा छोटा था, नो हेल्प। शायद मेरे पास ये फैसिलिटीज़ होती उस टाइम से कि मैंने को बहुत लोगों ने हेल्प किया होता, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती कि हाँ यार डुगू को मैं, जैसे कि अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ना, तो मैं इन लोगों को सुला सोए हुए, पर मैं उठी हूँ, मैंने शावर लिया है, मैंने फटाफट थोड़ा सा तैयार हुई हूँ, जो मैं पूरे पूरे दिन नहीं होती हूँ, पर मुझे पता था कि ये वीडियो फिर जा ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए फिर देखिए, चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करके एडजस्ट करके चलनी पड़ती है। आपकी लाइफ हमेशा वैसी नहीं चलती जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो, आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और लाइफ भी अधूरी लगती है अगर आपको ना कोई आपकी लाइफ में ना। जब मैं और राजा अकेले रहते थे ना, तो हमें बहुत अजीब अजीब से लगता था। अब हमें ना कुछ भी हो, कितना बुरा वक्त हो, कुछ भी हो, उस टाइम में कुछ भी होता था, पर डुगू की शक्ल दिखती है ना, तो हमारे मैक्सिमम लाइक सब कुछ क्या है, बस हम उसके साथ ही रहते। तो चलिए मैं कुछ जो रिपोर्ट है वो दिखाती हूँ, लाइक फर्स्ट स्कैन की। तो ये है मेरी 6 वीक की प्रेगनेंसी रिपोर्ट। तो इसमें ये आया था, सैक था, योग सैक था, जो कि मेरी लाइक जून वाली में नहीं था। फीटल पोल आ गई थी इसमें, कार्डियक एक्टिविटी अब्जॉर्ब 101 BPM, आई थिंक मैं सबको बताई थी उसमें ये कितनी आई थी उस टाइम पे। ये वेल फॉर्म, ये सर्विकल कैनल, बोथ ओवरीज आर नॉर्मल इन साइज। तो इस तक लाइक ये मेरा 6 वीक समथिंग डेज का था, हाँ 6 वीक प्लस माइनस 6 डेज लिखा हुआ, 6 वीक्स की थी। CRL अर्ली प्रेगनेंसी, और यहाँ पे पता है मैं आपको लोगों को बोल रही थी ना, तो ये जो थी ये मेरी डिलीवरी डेट थी, अभी फिर से चेंज हो गई मेरी डिलीवरी डेट। तो यहाँ पे LMPN ने नॉट नोन कर दिया था, क्योंकि ये जो चीज़ है ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी इन माय प्रेगनेंसी सिम्टम वाली वीडियो में। तो ये था, और उसकी मेरी, और ये थी मेरी अर्ली स्कैन रिपोर्ट। ये हार्ट बीट ट्रेस हुई है, यहाँ पर इतना छोटा सा था बच्चा मेरा, यहाँ पर इतना सा था उस टाइम पर। अब तो मेरा 13 वीक जो है वो चल रहा है, लाइक अभी भी जो प्रेगनेंसी है वो भी लाइक एंटी स्कैन हो गया है, सब सही है भगवान जी की कृपा से। और बस अब ये है कि ये सब चीज़ें बहुत ही ईजिली पास हो जाएं। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर किया है इसमें, कि कैसे कब डेट्स एंड, मतलब मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है सिम्टम की वीडियो, क्योंकि सिम्टम्स तो इतने वियर्ड है ना कि। तो चलिए सिम्टम की वीडियो जो है वो मैं नेक्स्ट उसमें डालूंगी। बट आपके लिए ये वाली थी कि ये क्यों, मैक्सिमम था क्यों, इतनी जल्दी क्यों, और आफ्टर मिसकैरेज क्यों, और क्या करने वाले हो, कैसे संभालोगे, सब हो जाएगा ठीक है। रोना होता है मुझे, कई बार रो भी देती हूँ मैं, जैसा भी रहेगा। और मेरी बहुत इमोशनली वो भी हो रही थी, मैं आप लोगों को याद होगा, बहुत चीज़ें आपने भी नोटिस करी होगी कि मैं किस उसमें जा रही थी, बट फिर भी कोई ना, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। और डुगू का कंपेनियन जल्दी आ जाएगा, और ये भी सोचिए ना कि यहाँ पे हम लोग के पूरी कॉलोनी में ना बच्चे नहीं हैं छोटे, तो उसके लिए ये रहेगा कि अब वो लोग हमेशा एक साथ खेलते रहेंगे जब तक बड़े नहीं जाते।
तो ठीक है, कोई नहीं यार, लाइफ आपको जैसे जब दे रही है एक्सेप्ट करो, क्योंकि यू नेवर नो आपको वो चीज़ दोबारा मिले या ना मिले. और उसके बाद फिर आप उस चीज़ के लिए पछताओ कि मेरे से 2 साल पहले ये गलती हुई थी. और हो सकता है ना उसके बाद मेरी एक टॉपिक हो जाती है, होने को बहुत सी चीज़ें हो सकती है. फिर मेरी एक टॉपिक हो सकती थी, ये एक टॉपिक हो गई, एक ट्यूब मेरी वो हो सकती थी, बहुत सी चीज़ें होती है. तो इट्स लाइक अगर आपको जो चीज़ मिल रही है पता है बहुत मुश्किल होने वाली है, बट आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना, कर सकते हो तो आप कर लोगे. बस चीज़ें सोचो मत. और मेरे को सिर्फ वही वाला ख्याल आता है जब आपको वो डिलीवरी वाला, बाकी सब सही है. मैं अच्छे से खाती हूँ पीती हूँ और सब सही है, अच्छा फील करती हूँ. और होता है कई बार मूड इधर उधर, बट इट्स ओके, सब चलता है लाइफ में. लाइफ में आपके लोग हैं ना, आपको उसी चीज़ का वो करना चाहिए, भगवान से शुक्र वो करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में अकेले नहीं हो. आपकी लाइफ में भगवान ने लोगों को दिया है. मेरी लाइफ में एकदम मतलब राजा और मई थे. हमारे पास हमारे दो प्यारे प्यारे बच्चे होने वाले हैं. एक बेबी मेरा बहुत प्यारा, वो समझदार है, डुगू अभी समझ रहा है ना चीज़ें, तो इसलिए थोड़ा सा लगता है क्योंकि अभी यार छोटा है. उससे मैं ये उम्मीद तो नहीं करूँगी ना कि वो एकदम से मैं बोलूँ कि बैठ जाओ तो वो बैठ जाए, नहीं बैठेगा, वो छोटा है. खैर जो भी है, मैंने आपको पूरे दिल की बात जो अपनी शेयर करी, मुझे उम्मीद आपको ये ब्लॉग तो नहीं था ये, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. और मैं सोचती हूँ नेक्स्ट वीडियो एक घंटा बचा मैं जाके चाय वाय पी लूँ, क्योंकि फिर डुगू उठ जाएगा और इस बीच में थोड़े काम भी देख लें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय.